आगरा के करावली में तहसील दिवस पर जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में जनता की समस्याओं का समाधान किया गया। तहसील दिवस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि किरावली में तहसील दिवस पर सबसे ज्यादा 170 फरियादों की शिकायत दर्ज की गई। सबसे ज्यादा शिकायतें ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कब्जों को लेकर पाई गईं। जिलाधिकारी का कहना है कि अवैध कब्जा कराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तहसील दिवस में जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार के साथ साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सभी फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को जांच के आदेश जारी किए गए। आज लगभग 170 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें अधिकतर चकमार खुलवाने के लिए आवेदन आए हैं लोगों के, और हमारी कोशिश रहेगी कि एक हफ्ते में इन सब का हम निस्तारण कर दें। शेष कुछ समस्याएं विद्युत विभाग से, आपूर्ति विभाग से और विकास विभाग से संबंधित थी। विकास विभाग से संबंधित समस्याओं में तालाबों की सफाई, खुदाई, चकमार्गों पर मिट्टी डलवाना आदि रही। उसके लिए संबंधित खंड विकास अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं, और आज तहसील दिवस के बाद चकमार्ग खुलवाने के लिए 4 टीमें बनाकर क्षेत्र में भी भेज दी गई। सर, कौन कौन से वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे हैं? आज जिलाधिकारी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, SP वेस्ट, अपर जिलाधिकारी प्रशासन महोदय, CMO साहब और अन्य सभी विभागों के लगभग सभी के वरिष्ठ अधिकारी। आज मैंने सभासद जी के द्वारा आज उनके लेटर पैड पे शिकायत दी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा टीकाकरण और पोलियो बच्चों के लिए, जो नवजात बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए टीकाकरण और पोलियो की सरकार द्वारा मुहिम चलाई जाती है, लेकिन हमारे वार्ड में एक भी जगह पे ना तो उपकेंद्र बनाया गया है, ना ANM बैठती है। ANM अगुआपुरा गाँव बड़ा होने के बावजूद आबादी के स्तर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, लेकिन वहाँ पर ANM एक दो जगह ही बैठती हैं, इन्हीं चुनी जगह बैठती हैं, वो भी कुछ समय के लिए। अनुपम मुदगल नाम से ANM है जो आती नहीं है, कभी कभार आती हैं, और उनकी कोई औरत परेशान होकर दूर से पहुंचती है प्रसव काल के बाद, औरत और माँ कमज़ोर रहती है, उसके बाद इतनी दूरी कवर कर पाना उसके लिए मुश्किल है। तो मैंने सभासद जी को भी सूचित किया कि मैं हमारे वार्ड नंबर 10 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय अगुआपुरा या फिर रैन बसेरा, सरकार द्वारा वहाँ पर सरकारी ज़मीन है, उचित व्यवस्था है बैठने के लिए, अगर वहाँ पे लगाया जाए या किसी आम जनमानस के दरवाजे पे ये टीकाकरण का जो कार्यक्रम चलाया जाए, जिससे वंचित हो रहे बच्चों को इस महामारी के दौर में उनको टीका मिल सके, पोलियो की दवा मिल सके, अन्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी संदर्भ में मैंने यहाँ पर शिकायत करी तहसील दिवस में। आज शिकायत करी तो उन्होंने CMO के लिए रेफर किया है, अब आगे की पता चलेगा क्या हुआ। उप जिलाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि तहसील दिवस पर क्षेत्र के सभी फरियादियों की समस्या का निस्तारण निष्पक्ष जांच कराते हुए किया जाता है। संबंधित अधिकारियों को जांच सौंप दी गई है। तहसील दिवस पर आई शिकायतों की जांच के दौरान निस्तारण किया जाएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से इशू चैनानी की रिपोर्ट।